सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेयर सेव करने से जो हेयर फॉल स्टॉप होता है और क्या इससे जो हेयर ग्रोथ डबल स्पीड से होती है, और जानेंगे क्या इससे हेयर सेव करने से बालों की मोटाई जो है, बालों की थिकनेस जो है बढ़ जाती है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट हम फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करें आप उन्हें मिस ना करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको भी हेयर लॉस हो रहा है तो भूलकर भी जो है हेड सेव मत करना, क्योंकि गाइस अगर आप जो है हेड सेव कर देते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके बाल झड़ रहे हैं या नहीं। आपको ऐसा लगता है कि मेरे बाल झड़ना बंद हो गए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आपके बाल तब भी झड़ रहे होते हैं उसी स्पीड से, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि बाल इतना छोटा होता है वो इतना आपको दिखाई नहीं देता है। जब आपके बाल बड़े होते हैं तो आपको शैम्पू करते समय, ऑयलिंग करते वक्त और कोम्ब करते वक्त आपको हाथों में दिखाई देंगे। शैम्पू करते वक्त तब भी हाथों में दिखाई देते हैं, लेकिन आपने जब जो हेड सेव कर दिया है, हेड सेविंग करवा लिया है, तो आपको जो बाल दिखाई नहीं देंगे और आपको ऐसा लगता है कि मेरा हेयर फॉल स्टॉप हो चुका है और बाल झड़ना बंद हो चुके हैं एकदम। लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है भूल कर भी जो है हेड सेव तो कभी ना कराएं। अगर आप जो है कोई ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया अपने हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए और आपने हेड सेव करा लिया, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा ये वो ट्रीटमेंट आप पे वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि आपने तो हेयर सेव करा दिया है और जो है आपको पता ही नहीं चलेगा मेरा हेयर फॉल स्टॉप हुआ है या नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जो है कभी भी भूल कर भी जो है हेयर सेव तो कभी ना कराएं। और तो और ना तो इससे जो है बालों की मोटाई बढ़ती है, ना इससे बाल झड़ना बंद होते और ना ही इससे जो है बाल जो है डबल स्पीड से ग्रो होते। ये सब मिथ्स हैं और इन मिथ्स के चक्कर में आप ना पड़ें। और आपको जो है डेंडर वगैरह का इशू, अगर आपको डेंडर वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, बस उसी कंडीशन में आप जो है हेड सेव अगर कराना चाहते हैं तो उसमें आप करा सकते हैं, आपको उसमें जो बेनिफिट मिलता है हेड सेव का। अदरवाइज़ जो आप जो है किसी भी कंडीशन में हेड सेविंग तो बिल्कुल भी ना कराएं, और खासकर हेयर फॉल के लिए तो बिल्कुल भी ना कराएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और गाइस अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट में बता दिया करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। We'll be right back.